इमरान, आज हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इट इज मोर इजियर टू मूव इन एयर एज कम्पेयर टू वाटर। हम बहुत आसानी से मूव करते हैं एयर में, वाटर हमें थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। वाटर में मूव कर रहे हैं, वाटर थोड़ा ज्यादा है तो वाटर हमें अपने हिसाब से ड्रैग करने की कोशिश करता है। तो मीन्स जो विस्कस फोर्स है वो वाटर की ज्यादा है, उसमें जो विस्कोसिटी है वाटर की ज्यादा है, एयर की कम है। सिमिलरली अगर हम दो डिफरेंट फनल्स में, एक फनल में हम हनी पास करवाते हैं, दूसरे में हम वाटर लेते हैं, तो जो हनी है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा है, वो टाइम लेगा, स्लोली 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 मूव करेगा, लेकिन जो वाटर है वो इजिली फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स किसकी ज्यादा हुई? हनी की ज्यादा हुई, वाटर की कम है। बट ये विस्कस फोर्स क्या है, विस्कोसिटी क्या है, वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी सबसे पहले हमारे पास किसी भी फ्लूइड की एबिलिटी है, जो विस्कस फोर्स लगाएगी वही एबिलिटी विस्कोसिटी बोली जाएगी। बट ये है क्या? सबसे पहले हमने बात करनी है फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन हमने बोला था कि हमारे पास जब कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जब कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके शू के सोल और ग्राउंड के बीच में, किसी के शू के सोल और ग्राउंड के बीच में जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ये हमने पढ़ा था, ये था एक्सटर्नल फ्रिक्शन। वहीं पे हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि हमारे पास एक्सटर्नल के साथ साथ एक इंटरनल फ्रिक्शन भी होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है सॉलिड सर्फेसिस के बीच में, इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट करता है फ्लूइड्स के बीच में। एक्सटर्नल जब हमने पढ़ा तो हमने बोला जो सॉलिड सर्फेसिस के बीच में एक्ट करेगा, एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था काइनेटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हमने वहां पे उनके कुछ लॉज पढ़े थे। उस लॉज में दो लॉज थे कि जो फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंटैक्ट, कि कितना एरिया कंटैक्ट में है वो फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमने बोला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ये दो हमारे पास लॉज थे जब हमने लॉज पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शन के, काइनेटिक फ्रिक्शन के। बाकी था कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रू। फिर हमने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटैक्ट, फिर हमने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वहां पे एक रिलेशन भी आया था, फ्रिक्शनल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करवाए। तो मींस यहां से हमारे पास आ गया था एफ एस इज म्यू के आर। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट थे। तो बेसिक जो दो लॉज थे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंटैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन की। इंटरनल सेम ये दो लॉज लेगा और उनको चेंज कर देगा। इंटरनल पहले किसके किसके बीच में लगता है? फ्लूइड्स के बीच में। अब इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं कि या तो फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में लगेगा, फ्लूइड फ्लूइड के बीच में, या फिर किसी सॉलिड और फ्लूइड के बीच में भी लग सकता है। तो अगर सॉलिड और फ्लूइड के बीच में लगेगा, उसमें भी फर्दर दो टाइप्स आ गई कि या तो सॉलिड मूव कर रहा होगा ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, like boat moves on the surface of water, तो उस boat और water के बीच में backward direction में एक dragging force लगेगी, viscous force। Case number two हमारे पास, अगर कोई solid को हम drop करवा दें liquid में, तब कितनी force लगेगी? तो यहाँ पे एक चीज हमने बोली, fluid fluid के बीच में दो layers move कर रही हैं, उनके बीच में opposite direction में जो force लगेगी, viscous drag force। Solid फ्लूइड के सरफेस पे मूव कर रहा है, सेम विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। लेकिन अगर केस नंबर टू, सॉलिड फॉल कर जाता है इनटू द लिक्विड, तब जो फोर्स है वो डिफरेंट होगी, उसमें स्टोक्स लॉ लगेगा। ये दो केसेस के लिए यही विस्कोसिटी, यही विस्कस फोर्स एप्लीकेबल है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि विस्कोसिटी है क्या, विस्कस फोर्स क्या है। मान लो हमारे पास एक रिवर बेड है, फिक्स्ड सरफेस है, तो जो फर्स्ट लेयर
फिक्स्ड सरफेस के साथ मूव करेगी वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि सॉलिड सरफेस के टच में है और ये रेस्ट पे है, इसकी खुद की वेलोसिटी जीरो है, उसको ड्रैग कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। तो मान लो जो फर्स्ट लेयर जा रही है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी रिवर बेड से दूर हो गई, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, थोड़ी फ्री हो गई, वो थोड़ी फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी उस पर 4 मीटर पर सेकेंड। जो थर्ड लेयर आई वो थोड़ी और दूर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते करते जो हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर या लास्ट लेयर की बात करें विच इज फार अवे फ्रॉम द रिवर बेड, उसकी वेलोसिटी पार्टिकल्स की मैक्सिमम होगी क्योंकि वो फ्री है, उनको कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाने वाला नहीं है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही है तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अब यहां पे दो लेयर्स मूव कर रही हैं, दो लेयर्स मूव कर रही हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, इसको फ्रिक्शन कौन लगा रहा था? रिवर बेड जिसकी वेलोसिटी जीरो थी। फर्स्ट वाली सेकेंड वाली को लेयर को फ्रिक्शन लगाएगी, ड्रैग करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली सेकेंड वाली थर्ड को लगाएगी, ड्रैग करेगी, थर्ड वाली फोर्थ को लगाएगी, ड्रैग करेगी। तो यहां पे दो लेयर्स के बीच में एक ड्रैगिंग फोर्स लग रही है, वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम इमेजिन करते हैं कोई एक बच्चा है वो भाग रहा है, नॉर्मल स्पीड से भाग रहा है, मान लो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसको एक और साथ में किसी को खींच के भागना है, उसकी स्पीड बेचारी की कम है पीछे वाले की, उसने उसको खींचना और खींच के भागना है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी फ्री वाले मोशन के कंपैरिजन में, ड्रैगिंग फोर्स लग गई ना, कोई खींच रहा है उसको पीछे की तरफ। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ये हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तो मीन्स इसकी फोर्स इसकी वजह से थोड़ी सी कम होगी। तो ये हमारे पास जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर दो लेयर्स जा रही हैं, दो लेयर्स में फर्स्ट लेयर मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से 6 से, ऊपर वाली रिवर बेड से थोड़ी दूर है, उसको फ्रिक्शन कम लग रहा है, बट ये तो लगा रही है ना उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन, इसको ये लगा रहा है, इसको ये लगा रहा है, इसको लगा रहा है, तो थोड़ा 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 हर कोई एक दूसरे को खींचने में लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये इसको खींच रहा है, ये उसके साथ वाले को खींच रहा है। तो मींस इन दोनों लेयर्स के बीच में अगर इसकी वेलोसिटी v है फर्स्ट वाले की, तो सेकंड वाले की थोड़ी सी ज्यादा होगी उससे, मान लो v प्लस dv। तो एक की वेलोसिटी अगर v है, ऊपर वाली लेयर की हो गई v प्लस dv, तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या आ गई? v प्लस dv माइनस v, बच गई dv। अब इन दोनों के बीच में मान लो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है dz। टोटल ये डिस्टेंस हमारे पास मान लो z है, और ये इतना सा रह गया, वो स्मॉल डिस्टेंस हमने dz ले लिया। तो विस्कस फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, यही वाले दो जिन पे एक्सटर्नल डिपेंड नहीं करता था उन पे इंटरनल डिपेंड करेगी। एक्सटर्नल किन दोनों पे डिपेंड नहीं करता था? एरिया ऑफ कंटैक्ट पे और वेलोसिटी पे। लेकिन यहां रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों लेयर्स की आ गई, तो मतलब एक कम हो रहा है तो वो दूसरे को भी कम कर रहा है, एक खुद नहीं पढ़ रहा वो दूसरे को भी पढ़ने नहीं देगा। बैकवर्ड फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, तो मींस हमारे पास यहां पे अगर एक की वेलोसिटी वी थी, दूसरे की वी प्लस डीवी थी, तो वी वाला बोला छोड़ खींचो, तो खींच रहा है वो पीछे की तरफ, ड्रैगिंग फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, वो बैकवर्ड डायरेक्ट ड्रैगिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है? विस्कस फोर्स। अब ये जो विस्कस फोर्स है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वही वाले दो, वेलोसिटी, तो देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। वो जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी, हमने बोला वो इन दोनों के लिए आ गया डीवी। तो जो हमारे पास विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करती है एक फैक्टर पे जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। ग्रेडियंट मींस जो भी उससे पहले लिखा है उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो मींस यहां पे हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट से पहले लिखा है वेलोसिटी, तो मींस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सम डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कौन सा होगा? वॉटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वॉटर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो फिक्स्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया
वो वाला डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब उससे पहले जो भी टर्म है, प्रेशर ग्रेडियंट मींस प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यही होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब हमें डिस्टेंस लेना है, बट कौन सा डिस्टेंस? सपोज द वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस फिक्स्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे हम डिवाइड करेंगे। अब अगर दो लेयर्स हैं, एक की वेलोसिटी वी थी, एक की वी प्लस डीवी थी, दोनों का डिफरेंस कितना आया? डीवी। इनके बीच में हमने जो फिक्स्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो स्मॉल डिस्टेंस लिया डीजेड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बन गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डीवी बाय डीजेड। तो यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया वो कितना आया? डीवी बाय डीजेड आया। हमने बोला विस्कस फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एरिया, एरिया ऑफ द लेयर्स जो भी आप यूज कर रहे हो, एरिया उसका हो गया। अब हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लेयर्स, तो क्या आ जाएगा? डीवी बाय डीजेड। तो विस्कस फोर्स दो फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरा एरिया। विस्कस फोर्स कौन सी है? लेयर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ड्रैगिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये विस्कस ड्रैगिंग फोर्स हो गई। सपोज दिस लेयर इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, दूसरी वाली वी प्लस डीवी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? हमने बोला डीवी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया दोनों के बीच में डीजेड, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया डीवी बाय डीजेड। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स। सेकेंडली एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स हो जाएगी। दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाय डीजेड। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पूरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत बार पढ़ लिया क्या था ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एबिलिटी हो गई लिक्विड की ये विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगाने की। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो उसकी जो वेलोसिटी को कम करने वाली फोर्स है वो हमारे पास क्या हो गई? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। सपोज हम एक कंटेनर में, एक बीकर में वाटर लेते हैं, हम उसको स्टर करते हैं, जैसे हम उसको स्टर कर रहे हैं वो मूव कर रहा है वाटर इन को एक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स, ऐसे हमारे पास मूव करेगा। तो जैसे वो मूव करेगा, हमने हटा दिया स्टरर, जैसे ही हमने स्टरर हटाया कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो जो लिक्विड है वो क्या होगा? रेस्ट पे आएगा, क्योंकि उसमें एक इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लग रही है जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। तो धीरे 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 वो विस्कस फोर्स अपोज करती हुई रिलेटिव मोशन को, और लिक्विड किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो ये क्या है? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स अपोज करेगी रिलेटिव मोशन को, दो फैक्टर्स के डिपेंड करेगी, जिसपे एक्सटर्नल डिपेंड नहीं करता था उस पर इंटरनल डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया। दोनों को कंबाइन किया, हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेगेटिव साइन फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोज कर रही है विस्कस फोर्स किसको? रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। तो कोई चीज अगर अपोज करती है तो नेगेटिव साइन से, तो नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, लेयर्स आगे मूव कर रही हैं बट विस्कस फोर्स पीछे की तरफ, तो माइनस साइन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ये सिर्फ टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स बन गया। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेगेटिव साइन अपोज कर रहा है मोशन को। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? तो ईटा कितना आ जाएगा? ईटा विल बी एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। अगर हम पुट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट्स, तो हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर सेकंड। यहां पे हमारे पास हम वैल्यूज पुट करेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और एक डिस्टेंस मीटर, कट गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एसआई यूनिट। सीजीएस न्यूटन की जगह आ गया डाइन, सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो एसआई यूनिट
है उससे ज्यादा हम सीजीएस यूज करते हैं। सीजीएस डाइन सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, इसको पॉइस बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन पॉइस एंड डेका पॉइस, तो वन पॉइस इज 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहां से निकाल सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ जाएगा। जैसे ही हम डायमेंशन पुट करेंगे तो ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए बेटू बाय।